नमस्कार, डीएनएच न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दादरा नगर हवेली सिलवासा टोकर खरा विस्तार में आयपा मंदिर के पास फिट लाइफ हेल्थ क्लब जिम का मंगलवार के दिन शाम को लगभग 6 बजे के करीब शुभारंभ किया गया। वर्तमान में सोनी टीवी पर सुबह 9 बजे चल रहे रामायण में भगवान बजरंगबली का किरदार निभाने वाले एक्टर निर्भय वाडवा ने सिलवासा पहुंचकर फिट लाइफ हेल्थ क्लब जिम का उद्घाटन किया। इस दौरान रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले एक्टर और जिम के मालिक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस जगह पे इतना बड़ा जिम जो ओपन हुआ है और मेरे को तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे बॉम्बे के अंदर ही हूँ मैं अभी, और बॉम्बे में इतने बड़े बड़े जिम होते हैं तो यहाँ पे भी वही जिम था। और इक्विपमेंट्स मैंने देखी, जितनी मशीन्स थी वो बहुत अच्छी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देती हैं, वैसी ही बिल्कुल मशीन्स हैं। और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और सिलवासा मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है, और जिम के अंदर स्पेशली तो कमाल का एटमॉस्फेयर था और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बॉडी बनाना बहुत अच्छी बात है, अपना फिट दिखना अच्छा, हेल्दी लाइफ जीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई लोग इसको शॉर्टकट तरीके से बनाना चाहते हैं, तो इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। मैंने देखा है 18-18 साल के बच्चे, 20-20 साल के बच्चे शॉर्टकट के लिए गलत हार्मोन्स और स्टेरॉइड का सहारा लेते हैं, इंसुलिन का सहारा लेते हैं, जो कि गलत है और नेचुरल फॉर्म में जाना चाहिए। सप्लीमेंट अच्छी बात है लेना, सप्लीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी लेता हूँ। अमीनो एसिड्स हो गए, मल्टीविटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सब अच्छी चीज़ें आदमी को लेनी चाहिए और आज के लाइफ में ज़रूरी भी है, क्योंकि हेल्दी दिखने के लिए, क्योंकि इतने सारे नए नए वायरसेज और सैटेलाइट्स हमारे बॉडी के अंदर से आर पार होती हैं, नए नए फोन्स, नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, तो कई बीमारियाँ नई नई डेवलप हो रही हैं, तो हमको हेल्दी दिखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और बॉडी सिर्फ दिखने के चक्कर में अंदर के जो आपके ऑर्गन्स हैं वो सब खराब हो रहे हैं। आप दिखते फिट हो लेकिन अंदर से आप फिट हो नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, मोस्टली लोगों के अंदर वो होती नहीं है, वो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज नहीं करते, कई दिक्कत है। अब मेरी जैसे फिंगर्स है पूरी ऐसे हो जाती है, पूरा मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ सारा, मेरे को समझ सॉल्ट बैक फ्लिप सब आते हैं, उसके लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और ये ज़रूरी भी है आज की तारीख में कि अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गलत तरीके से सिर्फ अच्छा दिखो और अंदर से वीक हो, अंदर से भी। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आते रहे लोग, फिटनेस में आए, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि वो लोग सिगरेट और दारू पीते रहते हैं और जिम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। और देखने जाए तो जिम की फीस वो उनको सस्ती चाहिए और बाहर महंगे महंगे नशे करते हैं, तो मेरे को वही दिखाना, मैं वही दिखाना चाहता हूँ कि जो सर है उनको देख के मोटिवेट हो जाओ कि वो कैसे अपना लाइफस्टाइल जीते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। और बहुत साल लगता है बॉडी बनाना, मैं भी खुद इस फील्ड में कम से कम 8 साल से हूँ। सर इन द सेंस कैसा है ना कि अगर आपका अच्छा बॉडी है तो आपको कोई जल्दी कोई बीमारी भी नहीं होती है। और फ्यूचर तो कैसा है, अभी मैं भी एक पहले फिटनेस ट्रेनर ही था, कम से कम मैं 6-7 साल से फिटनेस ट्रेनर हूँ। फिर धीरे 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 मेरा जैसे ही मेरे को लगा कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ तो मैंने अपना एक जिम डाला और अभी आगे बढ़ेंगे। और सिलवासा में और भी कई सारे जिम हैं और आपने आज ही जिम ओपनिंग किए थे, क्या सिलवासा के युवाओं के लिए कुछ अलग से आपने कुछ ऐसे रखने वाले हैं? अलग से मेरे को यही बोलना चाहता हूँ जो मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे मैं खुद काउंसलिंग लेने वाला हूँ, फिटनेस टेस्ट लेने वाला हूँ और उसके बाद वर्कआउट प्लान देने वाला हूँ। बाकी कोई जिम में आप जाओगे ना तो डायरेक्टली आपको वर्कआउट प्लान दिया जाता है, तो आपका बॉडी टाइप ही अलग है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म नहीं अच्छा है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, अभी कोई जिसका फैट परसेंटेज ज़्यादा है, विजरल फैट ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम लोग, हमारे पास डॉक्टर्स भी है, मैंने डॉक्टर्स भी हायर किए, मैंने फिजियोथेरेपिस्ट भी हायर किया हुआ है, तो जो सैटरडे संडे आएंगे और विजिट करेंगे।